अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से कोई शायद 7-8 साल पहले, मेरे ख्याल में 2010 होगा, 2010 या 2011 होगा शायद, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर सुजाना भी थी उस दिन ना। तो मैं, इतनी पुरानी हो गई गाड़ी हमारी, पुरानी गाड़ी। अच्छा, मैं दुबई में था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जा रहा था किसी एग्जीबिशन में, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने रोड बन रहा था, कच्चा था सब, अभी तो वहाँ बिल्डिंग आ गई है। तो एक आदमी गाड़ी धो रहा था शायद, उसने कहा आपकी गाड़ी धो दूँ? मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्या बोला, मुझे याद नहीं। धो दो, क्या बोला? धो दो हाँ, धो दो दो, दो और मुझे पार्किंग दिलाओ, जगह नहीं मिल रही। हाँ धो भी दो और पहले पार्किंग दिलाओ। तो उसने पार्किंग से दिला दी या क्या, वो मुझे याद नहीं, दिला दी। फिर उससे दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हो गई। वो एक पाकिस्तानी था, सिंधी था, और उसके साथ फिर मैंने अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करे। उसको साथ, अपने साथ खाना खिलाने ले गया उसको। पता नहीं दोबारा कैसे मिले, ये नहीं आया उसने, को दरअसल मैंने आपका नंबर दे दिया था फंक्शन था, शायद। फंक्शन था आप ये बिबिस के सिलसिले में दोबारा फिर आए थे आप। अच्छा, तो उसको मैंने नंबर दे दिया था गलती हाँ से। अब वो जो है ना आदमी, उससे ज़्यादा परसिस्टेंट आदमी फ़ोन करने के मामले में, शायद मेरी बीवी इतना फ़ोन नहीं करती जितना वो मुझे फ़ोन करता था। तो बल्कि अब्दुल फतह सुमरो मेरा असिस्टेंट है, वो भी नहीं इतने फ़ोन करता जितना जो फैयाज दुबई वाले साहब हैं वो मुझे फ़ोन कर देते हैं। खैर, फिर मैंने उसको सूट, मैंने उसको खाने वाने खिलाए, डिफरेंट जगह डिफरेंट होटलों में लेके जाना चाहा। मैं चाहता था देखूं कि इसका दिमाग में कुछ वायरिंग में चेंजेस आती हैं या नहीं आती। तो मैंने उसको ब्रांड न्यू सूट दिलवाया, उसको जूते दिलवाए, उसके साथ ड्रेसअप करवाया, और फिर उसको 5-स्टार होटल में ले गया, बाथरूम में ले गया। बस उसका मेरे ख्याल में दिल फटने वाला होगा उन सारी चीज़ों के बाद। फिर लेकिन उसने आखिर तक, वो उसने कभी मॉल के अंदर नहीं गया था, कहता है मुझे कोई पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हालांकि मॉल से शायद 10 मिनट की वॉक पे वो काम करता था। ट्रेन दुबई की, मेट्रो में कभी नहीं बैठा था, अभी भी नहीं बैठा शायद, अभी बैठे नहीं बैठे, अभी भी नहीं बैठा। खैर, हमारी एक छोटी सी मर्सिडीज़ है, उसमें सैर कराई, डिफरेंट उसको जो गाड़ियाँ धोता था उसकी सैर वैर कराई, बहुत उसके ऊपर ब्रेन सर्जरी करी। लेकिन वो बंदा जो है वो पत्थर का बना हुआ था, कहता है बस मुझे ये करा दो। मैंने कहा मैं ये तो नहीं करा सकता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर सीखना चाहो तो सीख लो। खैर, बार बार कहता था तो मैं कहता था पुल पे चढ़ो, छलांग लगा दो, मेरे से दिमाग नहीं खाओ अगर ज़्यादा ज़िद्दी हो तो। खैर, अब वो मेरे साथ बैठे हुए, आज सुबह वो नमूदार हो गए एकदम से बग़ैर बताए, और उन्होंने उनको लोन भी दिलवाया। फिर हमने उनकी मुर्गियों का फार्म के लिए उनको बहुत मना किया, ना खोलो ना खोलो, लेकिन वो ज़िद्दी है, और लोन भी ले लिया और फिर पैसे भी डुबो दिए शायद। और अभी दोबारा आया तो फिर फाइनली उसके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन पे आज हमने उनकी खूब रगड़ गए, 2 घंटे तक फेसबुक लाइव सिखाया है। और सिर्फ अब ये मैं इनको कहूँगा कि अगर ये हम फेसबुक लाइव करना चाहें लोगों के, तो पहले 20 इंटरव्यू कर लें और 20 के बाद से हमसे पैसे ले लें और लोगों के साथ बैठ के फेसबुक लाइव करें। तो फयाज़, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इससे क्या, क्यों क्यों टाइम लगाया था सीखने में तुमने स्मार्टफोन? तुम तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्मार्टफोन चला ही नहीं सकता कभी। बैठे रहो बैठे रहो। तुम कहते थे कि मैं तो ABCD भी कभी नहीं सीख सकता, जी मैं कभी स्मार्टफोन सीख नहीं सकता, अभी कैसे चला रहे हो ये स्मार्टफोन? सर, ये बस ली हुए कुछ महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं। तो आपसे जब पहले मुलाकात हुई थी और बातचीत भी हुई थी, तो आपने कहा था कोई टच ले लो। फिर पहले आपने टच दी थी, वो मुझसे ख़राब हो गई, मेरे भतीजे ने गुम कर दी उसको। फिर मैंने कुछ महीने सादी मोबाइल चलाई यहाँ, फिर उसके बाद पैसे आए मेरे हाथ लग गए, मैंने ये मोबाइल ले ली। लेकिन तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था, पता नहीं तुम्हें याद है नहीं याद, कि मैं टच मोबाइल चला ही नहीं सकता हूँ, मैं जी अंग्रेज़ी सीख ही नहीं सकता हूँ, बिल्कुल याद कहा है? था, बिल्कुल कहा था तो सर। अभी तो तुमने नंबरिंग भी लिखी, जी हाँ सर, मोबाइल भी चला रहे हो, तो ये कैसे, वही आदमी है पहले जी कहता था मैं नहीं कर सकता, अभी जी कैसे किया तुमने? बस सर, जो इंसान को भूख और गुर्बत होती है ना, वो बहुत काम करवा सकती है इंसान को। अल्लाह का शुक्र है कुछ तो मैं असर किया उसने, जी हाँ सर, मैं तो नहीं कुछ करा सकता, गुर्बत भूख ही करा जी हाँ सर, सकती।
बिल्कुल सर, कोई इंसान इंसान के कहने पे चल नहीं सकता है, लेकिन इंसान की जब मजबूरी सामने उसके आ जाती है तो कोई ना कोई रास्ता उसको नजर आ जाता है, तो अगर वो इख्तियार कर सकता है तो कर तो सकता है। रास्ता तो कब से दिखा रहे थे तुम, रास्ते पे चलने को तैयार नहीं हो रहे थे। जी हाँ सर, बस वो मेरी गलती थी अपनी, अच्छा, मैं भटका हुआ था थोड़ा इधर इधर इधर। वो तो अभी मेरे घर में बैठे हो तो बोल रहे हो ना ये बात। जी हाँ सर, उर्दू अभी से अच्छी नहीं हुई तुम्हारी, खराब हो गई वापस, सर असल बात ये है कि सिंध में हमारी सिंधी चलती है। उर्दू खराब हो गई। जी हाँ सर, दुबई में रहते थे तो वहाँ पे उर्दू चलता था, अरबी चलती थी, इंग्लिश तो बस हाँ या ना थोड़ी। 10 तक गिनती तो आ गई ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अच्छा, अब तुम दुबई में रहे हो, बहरीन में रहे हो, है। बेरेन नहीं गया सर, फिर दुबई कौन गया से मैं, मुल्क गए थे, खाली कौन, दुबई गया। दोहा गए हो, जी हाँ दोहा गए हो, दुबई गया हूँ, कतर, कहीं भी नहीं गया, ओमान, कहीं भी नहीं। हाँ अमन गया हूँ, अभी तो कह रहे हो गई अमन नहीं गए, से गुजर चुका हूँ वहीं से, लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया। काम नहीं किया। दुबई कितने साल रहे हो, दुबई पहले 7 साल रहा था, फिर दूसरी 7 साल बार। रहे, अल्लाह जी हाँ माफ कर। तो दुबई में तुम 7 साल रह के भी तुम कह रहे हो मैं गरीब रहा, तो ये क्या चक्कर है। असल में जो बात है आज आपने पूछी है तो मैं बता रहा हूँ, हाँ बताओ, क्योंकि एक तो रोज़ा है, रोज़े के साथ झूठ नहीं बोलना सही, चाहिए। थोड़ा धक्का देना है भाई इसको, सही है सर, तो इसको। हाँ असल में बात ये थी, जो मेरे भाई हैं बिल्कुल निकम्मे हैं। अच्छा, जी हाँ, उनको भूख नहीं लगती तो इसका ट्राइपॉड बजाय, असल में जो मेरे भाई हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं। सही है। मैं जब दुबई गया तो उन लोगों ने पीछे खेत करना, काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, जी हाँ, काम भी बंद कर तो दिया। तुमने उनको खाना क्यों दिया फिर, भूखा रहने देते ना भाई थोड़ा। है, अगर एक बाप के बेटे हैं, बाप दोबारा तो नहीं आ सकता जो भाई पैदा करके देगा। वो ये ठीक है, लेकिन तुमने क्या बताया कि मैंने कैसे सीखा, जब ये भूख लगी, जी ज्यादा गुर्बत आई, जी ज्यादा तकलीफ हुई तो सीख गए, बिल्कुल सीख गया तुम था। उसको तकलीफ ही नहीं होने देते तो उसी के कैसे। पहले कमा रहे थे, मैंने सोचा अगर मुल्क जाऊंगा वो लोग कुछ भैंसे खरीदेंगे, कोई कारोबार करेंगे, मेरे पैसे कुछ बचाएंगे, पक्का सा घर बनवा रहे हैं, ये वो मुझे बोल रहे थे। मैं हर महीने में जहाँ पे काम करता था वहाँ से 80-90 हज़ार महीना उठाता था। फिर फिर आहिस्ता 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 फिर जब आप मिले थे वहाँ पे, वो दूसरा चक्कर था मेरा। वो तो मुझे पता है, लेकिन 90 हज़ार जब कमाते वो थे, पैसे में सात सब साल घर रहे तो घर भेजता था। 50 लाख रुपए तो कमाए ना। नहीं पहले मैं ऊँट में काम करता था सर, ऊँट भगाता था वहाँ पे। अच्छा, जी हाँ सर, ऊँट भगाता था वहाँ पे, ऊँट भगाने में 7 साल काम किया मैंने, वहाँ से अरबी सीखी। अरबी और बोल ले तो, जी हाँ, ऊँट भगाता था पहले, उनको चारा बारा देता था ये वो। फिर उसके बाद मैंने ऊँट पे बैठना सीखा, बेड पे जो रेस लगाते हैं जैसे घोड़े भागते हैं वहाँ पे ऊँट भी भागते हैं। फिर मैंने वो तालीम हासिल की, फिर वहाँ पे 4 साल 5 साल मैंने ऊँट भगाने का काम किया। तो वो तो बच्चे भगाते हैं, बड़े तो नहीं जी हाँ, भगाते। बड़े को जैसे चक्कर लगाते हैं बड़े भी भगाते हैं, अभी बच्चे तो उन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिए थे हमारे दौर में। अच्छा, जी वो हाँ साइलेंट कर दो। हाँ वो तो बच्चे उस टाइम बंद थे, जब रेस होती है तो गुड्डे बैठते हैं, और हम लोग जो चक्कर लगाते हैं ना, जो जो जिस टाइम उसको मुगार कहते हैं, जब वारा देना पड़ता है उनको, घुमाना पड़ता है, तो हम लोग दौरे में जाते थे तो कभी 10 किलो कभी 20 किलो इस तरह भाग के हम लोग उठ के उनको तैयार करते थे रेस के लिए। जो दोस्त को बुला लो नीचे बैठ जाए। अच्छा, जी हाँ सर, फिर मैंने तकरीबन 5 साल वहाँ पे काम किया ऊँट तो भगाने अब का। तुमने क्या सीखा कि भाइयों को पैसे देने चाहिए नहीं देने मैंने चाहिए। भाइयों को बिल्कुल पैसे, सब पैसे उनको भेजे। सुन तो लो, जी सर, अब तुमने क्या सीखा, भाई को पैसे देने चाहिए हैं या नहीं देने चाहिए। अभी जो उन लोगों ने मेरे साथ किया आकर, तो और जो सलूक मेरे साथ उन लोगों ने किया, तो नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए ना, जी अगर तुम भाई जवान हो गए। बिल्कुल, छोटा मैं हूँ, बिल्कुल सब बड़े हैं। अच्छा, तो भाई को, जवान भाई को पैसे जी देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए थे तो नहीं अच्छा देने था, चाहिए, आज मैं ये दिन नहीं देखता था। नहीं देखता, लेकिन तुम तो नहीं देखते, लेकिन अगर तुम उनको पैसे नहीं देते जी हाँ, तो उनको फायदा होता नुकसान होता। उनको नुकसान भी होता था, फायदा मेरा ही था। नहीं, गौर से सोचो, दोबारा सोचो, अगर भूख लगती और पैसे नहीं होते तो क्या करते, काम करते थे। काम करते, तो जी काम हाँ करते थे तो कुछ सीखते, बिल्कुल सीखते थे, तो उसके उनको फायदा होता नुकसान होता। उनको सर फायदा होता था। फायदा होता ना, जी तुमने हाँ, पैसे दे के क्या किया उनका। मैंने उनको खराब किया सर, ये मेरी ही गलती है सर, मानता हूँ आज इस गलती में। तो हम सारे लोग जो हैं वो सुबह से शाम तक लोगों के लिए पैसे जमा करते हैं, जी हाँ सर, कहते हैं गरीब आदमी, उसको पैसे दे दो, तो जी हाँ, गरीब आदमी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। फायदा हुआ। कैसे फायदा हो, वो काम ही नहीं करता फिर।
जो गरीब है काम करने के लायक नहीं है उसको नहीं, देने काम चाहिए, करने के लायक नहीं है। एक आदमी बुढ़ा 80 साल का है, कुछ नहीं कर सकता, उसको देने उसको चाहिए, तो देने चाहिए। उसको देने चाहिए, एक आदमी ये हट्टा नेकी का काम कट्टा है, जवान है, उसको नहीं देने उसको चाहिए, नहीं देना चाहिए। उसको अच्छा नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? मैंने अपना दी, अपना खून है माए बाप नहीं वो के ठीक पास। है, अच्छी बात है तुमने दी, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ ये भी तो सोचो ना। नुकसान बहुत हो गया सर, मेरे तकरीबन 10 साल की कमाई चली गई। कहीं नहीं गई वो, अल्लाह और दे देगा, जैसे तुमने इंशाल्लाह पहले दे दिया देगा। था जी हाँ सर, फिर दे देगा। शर्त एक है, जी सर, ऊपर वाला जो कोकोनट है, जी क्या कोकोनट कोकोनट को क्या कहते हैं उर्दू में, मतलब खोपड़ा नहीं होता, खोपड़ा, दिमाग हाँ वो सर, सख्त है, सख्त है उसको क्या करें? सख्त मिट्टी में कोई झुकता है? जी, नहीं इसी तरह सख्त दिमाग में भी कुछ नहीं उगता, जी हाँ सिर्फ तकलीफ उगती है। सही बात है, तो क्या करें? तकलीफ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नरम करें। नरम करें, कैसे नरम आहिस्ता होती दिल है? ठंडा रखें, काम नरम करना, कैसे होती है? हाँ दिमाग नरम कैसे होता है? दिमाग गरम, नरम नरम, नरम, जैसे मिट्टी की खुदाई होती है, इस तरह हाँ दिमाग की खुदाई कैसे होती है? परेशानी से होती है। परेशानी से तो और चक्कर आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। दिमाग की गुदाई होती है इल्म से, इल्म से, हाँ सही बात, इल्म हासिल करने से। इल्म कैसे मिलता है? इल्म मिलता है मेहनत से। मेहनत से कैसे इल्म मिलेगा? तुम पत्थर तोड़ोगे तो इल्म मिलेगा? जी नहीं, हाँ जी सर, कैसे मिलता है इल्म? इल्म मेहनत से मिलता है, कोशिश करो, कैसे मिलता है? तुम मेहनत तो करते हो, कोशिश भी करते हो, मिला भी नहीं। स्कूल जाया करो स्कूल से पढ़ने तो के जा लिए, नहीं मिलता, स्कूल अगर जाके तो सारा गांव स्कूल गया है, ये भी स्कूल गया है, बाहर ही बैठा हूँ। जी हाँ इल्म जो है इल्म वालों से मिलता है, जिसके पास इल्म होता है, जो उसके जी पास कोई नज़र आ जाए कि इसके पास इल्म है, तो उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, उससे पूछते हैं, उसको उस्ताद बनाते हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो उससे जब पूछते हैं वो बताते हैं ये करो, या तो बात मान लो या भटकते हो। सही बात, हाँ सही, तो अगर इल्म वालों के साथ बैठोगे जी तो इल्म हाँ खुद ब खुद आएगा। जैसे हाँ आज तो मैं पत्थर छेनी हथौड़ी लेके सिखाया ना, जी हाँ सर, तो खैर अच्छा, अब आपको जो हमने लाइव सिखा दिया है उससे ही फायदा होगा कि आप लाड़काना शहर में तो नहीं रहते ना, बाहर नहीं रहते हो, गांव में रहता हूँ सर, गांव में साइड में रहते हो, गांव है, साइड में। क्या नाम है? हासला, हासला गांव, हासला हासला, जी, HASLA। हासला अच्छा, तो खैर अब आपको बताने का फायदा नहीं है क्योंकि आप सुनते तो हैं नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए कि आप जब आप वहाँ पे जाके करेंगे तो आपको लोग जानेंगे, आप पे भरोसा आएगा, तो आपके साथ इन्वेस्ट भी करेंगे। जमीन कितनी है तुम्हारे पास? जमीन थोड़ी सी है, वो इतनी भी थोड़ी फंसी फंसी हुई है, है मतलब? मतलब किसी को दिए हुए कर्ज के हिसाब से, ओ कितना कर्ज है? 4.5 लाख, कितनी जमीन है? दो जरेब, 1 एकड़, चार लाख की 1 एकड़। जी हाँ, वहाँ रेट क्या है वहाँ जमीन की, रेट तकरीबन 8 लाख 9 लाख की है, एकड़ की? जी एक की, तो कितना कर्ज लिया हुआ? मैंने 4.5 लाख रुपये उनसे कर्ज लिया था, फिर उससे दो ही वो है अभी फसल जो उगा रहे हैं वही लोग खा रहे हैं, जब पैसे दूंगा तो उनको, तो पैसे क्यों लिए थे? पैसे लिए थे, ये फार्म में मैंने नुकसान बहुत किया था, उसमें और कर लगा दिया था, तो अभी तुम माइनस 4.5 लाख में बैठे हो? जी हाँ, अरे मरवा दिया। तो जमीन भी नहीं है, जमीन मेरी अपना हिस्सा ही बचा हुआ है, बचा है जी हाँ, कितना है? ये दो जरेब मेरे ही है ना, 4.5 लाख अब तुम्हारे में, हाथ में तो नहीं है ना, अभी वो तो दूसरे घर गई, में, अभी दूसरे कागज घर गए। सूद कितना है? में, सूद बूद नहीं है उनके ऊपर, सूद चढ़ता है नहीं चढ़ता? नहीं, यानी इसने वो 4 लाख में उनको दिया है, जब ये 4 लाख वापस तो करेगा सूद नहीं लेगा वो, सूद नहीं लेगा, वो जमीन तब की तक पैदाश वो यानी खाएगा, सूद है उसका, क्योंकि पैदाइश जब पैदावार वही करेगा वही करेगा। पैदावार अभी खा भी वही रहा है, कर भी वही रहा है, क्या बात है वो? वो टमाटर खरबूजा अच्छा, तो मैं नहीं आता काम। अच्छा, आता है, और वहाँ पे ज़मीन और ख़रीदो तो 8 लाख रुपए एकड़ है, जी हाँ, दो की दो जरे पे। जी हाँ, सस्ता भी है महंगा भी है, जो अच्छा ज़मीन है जिसमें अच्छा फसल होता है ख़राब वो, ज़मीन कितने खराब तो की, उसका कितना कमती रेट है, है? उसका 4 लाख भी है, लाख रुपए वाली नहीं है? 1 लाख वाली नहीं है, ओ सेम वाली,
कम से कम भी 2.5 लाख की 3 लाख की सेम वाली 2.5 लाख 3 लाख की सेम वाली 2.5 लाख की जो खराब बंजर में बिल्कुल वही। अभी वहाँ पे खराब ऐसी कोई थोड़ा बहुत फसल देती है सब, जिसमें ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है वो बस ये 2 लाख के करीब होगी। अच्छा। 1.5 लाख 2 लाख जिसमें ट्यूबवेल नहीं लगा, डेढ़ भी हो अभी तो ये 2.5 था। हाँ बस इतने ही यानी करीब समझो 2.5 या 2 या 1.5 बिल्कुल जो 1.5 भी है जिसमें ट्यूबवेल बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, पानी बस एक फसल देता है उसमें टमाटर या प्याज या खरबूजा नहीं हो सकता है, हो सकता है तो ये चावल का फसल थोड़ा बहुत हो सकता है। चावल को पानी ज्यादा चाहिए तो कम पानी जितना पीत लेता है उतना मिलता है दूसरे फसलों से ज्यादा जो है 4 गुना ज्यादा चावल को फसल है। उसको सर क्या है ना असल में अभी हमारे मुल्क में पानी आने वाला है, कहाँ से आने वाला है? दरिया से, समंदर से है? समंदर से आता है वो हर साल आता है। अभी जो सीजन चल रही है ना इस साल नहीं है, वो 6 महीने के लिए आता है खाली चावल के फसल के लिए, और बाकी 6 महीने जो होते हैं खरबूजा प्याज टमाटर ये लोग हम लोगों के इलाकों में ना उन लोगों ने ट्यूबवेल और किसी ने अपने अपने खेत में दरख्त भी है। आम कमती है, आम है लेकिन साइड में है हमारे वो लारकाना से आगे सखर सुना है ना। आम क्यों नहीं है? बस आम की बस वो लोग नहीं बना रहे ऐसे। अच्छा चलो 1.5 लाख वाली जमीन जो है अगर कोई हो तो मुझे बता देना। अच्छा और कुछ बात है? तो तुम्हारे गांव का नाम क्या था? नारियल नहीं हासला। हासला, हासला में कितने लोग रहते हैं? हासला में पता नहीं देखे हुए सर, आया था जब आपने उनको भेजा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं सर। गए थे तुम इसके? जी सर। और कौन रहा था? आप भी था? नहीं सर मैं था, हम 7-8 लड़के सकलेन था, एक नासिर शाह उस टाइम में सर। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए सर। आपने तो फोन की थी मुझे कि पता आ रहा है आपकी तरफ। 26-27 महीने हो गए। अच्छा तो कितने लोग रहते हैं गांव में? बहुत है सर। 1 करोड़ 1,000 2,000 50 लाख नहीं 5,000 का होगा। 5,000 4,000 ऐसा हो जाएगा इतना। तुम्हारे गांव में तो तुम्हारे गांव में टॉयलेट है? नहीं है टॉयलेट, बाथरूम नहीं, बाथरूम है घर पे है। डब्ल्यूसी लगे घर पक्का है? तुम्हारा कच्चा है? हमारा कच्चा है। तुम्हारा भी कच्चा है? जी। और डब्ल्यूसी नहीं, वो नहीं। नहीं कहाँ जाते खेत में? हम कोई खेतों में चले जाते हैं, कोई घर में भी लगा हुआ है अपनी साइड में, जहाँ पे मैंने ये अपना मुर्गी फार्म बनाया हुआ है उसकी ये साइड में। मुर्गी फार्म बना हुआ है? हाँ अभी तक बना हुआ है। तो किस जमीन किसकी है? वो मेरी अपनी है। अभी तो घर जमीन नहीं है। मैंने कहा सर जमीन है, यानी वो सर इनकी जो जहाँ पे बनी हुई है वो घर का प्लाट है। वो घर का प्लाट है, जैसे ये आपकी घर की जगह है सर। खेत अलग होते हैं सर। हाँ ये जैसे अभी ये बीच में सड़क है ना सर, उस तरफ जैसे अपना का पुराना घर है, इस तरफ आपकी ऑफिस थी पहले, तो ऐसा ही मेरा बीच में बस इतना ही दूरी का फासला है। फार्म अल्हम्दुलिल्लाह 100 गज का है, 100 गज ऐसा लंबा और 32 गज नहीं सर 100 फुट हो जाएंगे ऐसे लंबा। हाँ 100 फुट सर। तो कितनी मुर्गी डाली थी उसमें? उसमें 2000 कभी 1800 कभी 1700। अभी नहीं डाली? अभी नहीं डाली, है ही नहीं, है ही नहीं। अल्लाह तुम्हें साथ में है क्या सर? वहाँ पे जो मुर्गी वाले हैं तो इनको बच्चे भी बोलते हैं कि आप जो है ना हमसे इंटरेस्ट पे लो, तो ये इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, फिर उनकी फीड भी इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, तो जब ये मुर्गी निकलने का टाइम आ जाता है तो उसका रेट गिरा देते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनको पहले इंटरेस्ट पे वो दे देते हैं, फिर उसका रेट गिरा देते हैं। अब जो 200 पे जा रही है उसको जो ना 100 पे लेके आ जाएंगे तो अच्छा तुम्हारा ये कर्जी हो जाते हैं। इंटरनेट कैसा चलता है सर? कभी चलता है बिल्कुल कमती चल रहा है, हमारे यू फोन के जो नेटवर्क है ना बिल्कुल कमती चल रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं चल रहे कभी। हाँ टेलीनॉर का थोड़ा बहुत सुना है लेकिन टेलीनॉर अच्छी चल नहीं किया जा रहा है, बस मेरी जेज की है और यू फोन की सिम है। सर वैसे तो कभी कभी ये पैकेज आ जाते हैं तो कंबर शरीफ में हम लोग जाते हैं ना तो कभी कभी तो फ्री में भी दे देते हैं। कंबर की एक और बात बताऊं, कंबर में इस तरफ मंदिर है, इस तरफ मस्जिद है, सामने इमामबाड़ा है, और मैं वीडियो भी बनाई थी उसकी रखी हुई है। इनको लेके गया था सर मंदिर में। ये बताओ कि यूट्यूब चलाना आता? इतना नहीं आता सर। कोई गाने देखते हो यूट्यूब पे? यूट्यूब में
यूट्यूब इसमें है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। आप चलाते हैं? जी, आपको आता है? इसको सीख लो ना इसे। सर इसका गांव अलग है। और इसका गांव कितने दूर है? बहुत दूर है, ये कंबर के नज़दीक है, हम कंबर से दूर है। छः किलोमीटर? यहाँ से ऐसा समझो सुराबकोट जितना, इतना दूर है ये हमसे। तो बात नहीं करते हमसे? बात टेलीफोन पे कभी करते हैं। तो टेलीफोन पर नहीं सीख सकते? फोन पे अभी तालीम भी नहीं है, कैसे सीख सकते? अभी कैसे सीखा? तालीम आई थी तुम्हें? अभी अभी तो बैठ के फतेह साहब ने बताया ये ऐसा करो। दूसरी कुर्सी में बैठा था, तुम दूसरी कुर्सी में बैठे? सीखेंगे इंशाल्लाह, सीख जाएंगे। अगले 10 साल बाद जब जिंदगी रही तो इंशाल्लाह सीख लेंगे। वो ये पुराना जवाब है नहीं, सीखेंगे अभी, सीखेंगे अभी, सीखेंगे इंशाल्लाह। मेरे से क्या काम पड़ेगा आज? सर आपसे मेरी एक गुजारिश थी, ये जो मेरा दोस्त आया हुआ है ये असल भोटो कौम से है, पढ़ा लिखा है इंसान है, मेरी तरह नहीं है सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये इंशाल्लाह, अगर हो सके तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस इंसान को नौकरी पर रख दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसलिए आए? जी हाँ सर, अगर हो सके तो हमें भी नौकरी दे दो। क्या नौकरी करोगे? जो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह ले कर लेंगे, इसलिए आए थे सर। और गांव में गर्मी थी, हम सोचा कराची को चक्कर भी लगा के आएंगे और साहब से भी मिल लेंगे, दुआ सलाम करेंगे। चलो, कितने पैसे लगते हैं गांव से आने में? तकरीबन दो आदमी का 1700 लग गया अभी, अभी वापसी आने का। जी, और जाने का? जाने का भी इतने ही लगेंगे। कितने हो गए? 3000 से ऊपर हो गए। ऐसी लेकिन तुमने कहा चलो फारिग है, गर्मी है तो चले जाए, 3000 खाया।